उदास मत होना दीदी। हाँ, हम है ना आपके छोटे छोटे दोस्त। चलो अब छोटा छोटा हंस दो ना दीदी, हंसो ना दीदी, हंस दो ना दीदी, हंस दो ना दीदी, हंसी ना दीदी, हंसो ना दीदी, हंसो ना दीदी, हंसो शाश्वती, तुम इतनी उदास क्यों है? कल मेरा जन्मदिन है। अरे ये तो खुश होने वाली बात है, तुम्हें हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, तुम उदास क्यों बैठी है? जन्मदिन के लिए मैं खुश हूँ, पर जैसे हमेशा की तरह दादा फीका सा मनाएंगे वही सोचकर उदास हूँ, क्योंकि अन्य दादा भी काम पर चले जाएंगे। हाँ दीदी, ना मजा आता है ना नाच गाना होता है। अरे बस इतनी सी बात, हम शाश्वती का जन्मदिन मनाएंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। शक्ति हाँ, ऐसा कुछ है क्या जो वैजंती नहीं कर सकती? आओ खड़े हो जाओ। अच्छी तरह से याद है हमें। तुम चिंता मत करो, कल रात को तुम्हारे तकिए के पास तुम्हारा तोहफा रखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें। आपको याद है दादा? क्या? ओह, कल शाश्वती का बर्थडे है ना, तो बताओ जन्मदिन के तोहफे में क्या चाहिए तुम्हें? पहले वादा कीजिए मैं जो मांगूंगी वो दोगे मुझे। वादा? तो बताओ कोई खिलौना चाहिए या गुड़िया? नहीं नहीं, वो प्रिंसेस की ड्रेस है ना? ये सब नहीं चाहिए। फिर इस बार मैं चाहती हूँ मेरे बर्थडे पार्टी में आप सब मेरे साथ हो, खास तौर से आप दादा। हम मेरे दोस्तों के जैसे नाच गाने वाली बर्थडे पार्टी बनाएंगे। मैं शाश्वती? हाँ आप दादा, क्योंकि आप कभी नहीं आते मेरे जन्मदिन में। शाश्वती, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी धूमधाम से मनवाऊंगा, पर मैं नहीं आऊंगा। और देखो अगर मैं आया तो तुम सब शैतानी कर पाओगे, नहीं ना? इसीलिए मैं नहीं आऊं। तुम सब खूब मस्ती करना, मजा करना, शैतानी करना, नई नई चीजें खाना, बड़ा सा केक काटना। बाबू बैंगन है, उबाऊ है, ये तुम्हारी वैजंती दीदी ने कहा? हाँ, अरे बैंगन की सब्जी देना थोड़ा। जाके अपनी दीदी से कह दो कोई बैंगन या उबाऊ नहीं होना। कल शाश्वती की पार्टी होगी संपूर्ण नाम, हम सब मनाएंगे धूमधाम से पार्टी होगी। ये! 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 ये!
आ जाना। हाँ क्यों आना, ये यहाँ पढ़ने आती है या ये पार्टी मनाने आएगी? तो बेकार परेशानी होगी हमें भी और इसे भी, रहने दो। अयो अब्बा क्यों नहीं आएगी, मुझे तो हंसना खेलना मस्ती करना शरारत करना ना बहुत अच्छी लगती है। वो चुप रहने में थोड़ी परेशानी होती है ना मुझे, पर हम कल पार्टी मनाएंगे ना तो आप सबको बहुत सजा आएगी, बहुत सजा। मजा कहना चाहती है। अयो अब्बा आप कितना अच्छे से समझती है मुझको। अब मतलब अब कल की पार्टी में इतना मजा करेंगे कि आपके चेहरे पे भी हंसी आ जाएगी, है ना? बल्कि मैंने तो पार्टी में केले जाने वाला केल का नाम भी सोच लिया, देखते हैं किसमें कितना है दम। संपूर्णा माँ हमें पार्टी करनी है, मुकाबला तो नहीं लड़ना ना? मुकाबला ही तो है, कल हम एक केल खेलेंगे और वो केल में जो जीतेगा वो राजा और जो आरेगा उसका बचेगा राजा। अयो अप्पा खूब मजा आएगी। लेकिन संपूर्णा लेकिन मा... क्या बरसतर बाबू, बच्चों के विकास के लिए जितना पढ़ाई जरूरी है उतनी खेल कूद भी जरूरी है ना? हाँ बहुत मजा आएगा। अच्छा 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 आप आसी। आप आसी। है ना आप अभी आसी ना? असा कीजिए, हंसने से मन में प्यार बढ़ती है। अब 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 सारी पर एक बात बोलू, आप हंसते हुए ना बहुत अच्छे लगेंगे। आप दोबारा हंसना सीखेंगे सखा बाबू, तभी तो अपने दिल की बात कह पाएंगे मुझसे, कह पाएंगे मुझे कि क्या है आपके लिए बोंदिता। इधर बोंदिता की वजह से शांति से बात नहीं हो पाई। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जमाई बाबू की दूसरी शादी कराना ये बहुत बड़ा कदम है। देखिए मेरी सलाह तो यही है कि आप टुपुर से चंद्रचूर को मत छीनिए। देखिए मुझे टुपुर से कोई बैर नहीं, वो एकदम सुगढ़ बहू है और चंद्रचूर का भी वो अच्छे से ध्यान रखती है और मेरा बेटा भी उसे बहुत प्रेम करता है, वो उसे कभी छोड़ेगा नहीं। पर संतान प्राप्ति के लिए दूसरी शादी भी तो जरूरी है ना। देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो दोनों पत्नियों को खुशी खुशी अपने साथ रखे। ऐसा होता है कभी, जो पत्नी बच्चा देती है वो धीरे धीरे पति पर और घर पर अधिकार जमाने लगती है। ऐसे में तो मेरी टुपुर दरवाजे के बाहर का पायदान बनकर रह जाएगी। पर अगर हम कोई ऐसी लड़की ढूंढे जो टुपुर के साथ ऐसा ना होने दे, तो जो टुपुर को अपनी बड़ी बहन समझे ना कि उसकी सौतन समझे। जब बच्चा हो जाएगा तो टुपुर भी माँ बनी रहेगी और वो भी, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में उन दोनों को कोई भी परेशानी होगी। सोचती हूँ मैं इस बारे में। धन्यवाद। जेठ जी वो दुर्गा माँ की आरती करते वक्त एक बात मन में आई है। कहो जी। वो मुझे लगता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें वैजयंती का रिश्ता अनिरुद्ध से कराना चाहिए। मतलब वो लड़की अच्छी है ना और अनिरुद्ध का ख्याल भी रखती है, और वैसे भी इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ अनिरुद्ध ने इतना गुस्सा किया पर उसने बुरा तक नहीं माना। हाँ। दांत खाती रहती है और दांत दिखाती रहती है, लेकिन समस्या ये है कि वो बंगाली नहीं है, दक्षिण भारतीय है। मतलब हमारे रीति रिवाज नहीं जानती, खान पान नहीं जानती, ऐसे कैसे बहू बना ले उसे। हाँ इस हवेली को अनिरुद्ध बाबू को सिर्फ बोंदिता मालकिन ही। और वैसे भी अनिरुद्ध वैजयंती को पसंद नहीं करता है, मतलब
ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन उसके ऊपर चिढ़ता ना हो या गुस्सा ना करता हो। जब अनिरुद्ध उसे घर में नहीं आने देना चाहता तो जिंदगी में कैसे आने देगा? हाँ? अब खुश कह दिया उन्हें जैसा तूने मुझे कहने के लिए कहा था। बहुत खुश, आधा काम तूने कर दिया और बाकी का आधा मेरी प्यारी पत्नी टुपुर कर देगी। टुपुर मनाएगी बॉन्दिता को दूसरी शादी के लिए। सुबह से कुछ नहीं खाया है, रोए जा रही है बस। चंद्रचूर जमाई बाबू अभी तक काम से लौटे नहीं, वरना वो खिला देते। चली जाओ यहाँ से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तुम क्यों आई यहाँ? वापस चली जाओ। नहीं जाऊंगी और अपनी बहन को यूं भूखे रोते बिलकते छोड़ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। इसलिए अपनी जिद छोड़ और चुपचाप खाना खा लो। कहा ना नहीं खाऊंगी। और मैंने भी कहा ना खिला के रहूंगी। तुम्हें जमाई बाबू की कसम, अब तो खाना होगा। चलो। टुपुर, चंद्रचूर जमाई बाबू तुम्हें बहुत प्यार करते, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर तुम दुनिया की बातों से क्यों डरती हो? वैसे भी पति पत्नी के बीच में प्यार होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अभी अगर तुम नहीं खाओगी तो जमाई बाबू दुखी नहीं हो जाएंगे? बहुत कम लग रही है। अच्छा सुनिए ना, यहाँ पे गुब्बारे बहुत कम लग रही है, यहाँ पे ढेर सारे गुब्बारे होने चाहिए। कितना कम लग रही है, जाइए। अच्छा सुनिए तो, यहाँ पे लड़िया इतनी छोटी छोटी क्यों है? थोड़ी सी बड़ी कीजिए, थोड़ी सी यहाँ पे लगाइए, बहुत कम है, जल्दी जाइए। सुनिए, केक तो नहीं भूली ना, नमक की ना मिठाई, सब कुछ यहाँ पे होनी चाहिए और पार्टी में सब होनी चाहिए, कोई नहीं बचनी चाहिए, ठीक है? सब आ जाएंगे बजंती जी। ए जी, त्रिलोचन मालिक को सोते ही छोड़ देते है, ठीक है? ठीक है, समय पर उठा देना हमें जोरू के गुलाम। ठीक है मालिक। अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो डब्बा सही से लगाइए, वो कैसा दिख रहा है वहाँ पे? आप वहाँ से वो तो लेके आइए, और यहाँ पे सब कुछ बहुत कम लग रहा है, जल्दी कीजिए। इतना तो किसी ने दौड़ाया था आज तक, त्रिलोचन मालिक ने भी नहीं। मेरा मतलब है मेरी बला की खूबसूरत मेहरारू, हमें दौड़ने की आदत है, पता है बोंदिता मालकिन भी तैयारी हमें दौड़ा दौड़ा के करवाती थी। बैजंती जी ने हमें बोंदिता मालकिन की याद ताजा करवा दी। होगी, चलो बाकी का काम मैं कर लेगी, आप जाके तैयार हो जाइए। जाइए। अब सब ठीक लग रहा है। अरे सब तैयारी खुद ही कर ली या हमारे लिए भी कुछ छोड़ा है? छोड़ी है ना। बताओ तो क्या करना है आपको? आज पूरे दिन हंसना है और मुस्कुराना है, वो भी दिल से, कर पाएंगी? तुम जहाँ हो वहाँ कोई बिना मुस्कुराए रह सकता है क्या? फिर तो आज बरिस्तर बाबू को भी मुस्कुराना होगा ना। काश ऐसा ही, 8 सालों से हम भी इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी मिष्टी खासतौर से रसगुल्ले बिल्कुल मत मंगवाना, हाँ अनिरुद्ध को नहीं पसंद है, ठीक है? माँ मेरे बाल बंधवा दो ना। आई Thank you.
रसगुल्ले तो जरूर होंगे संपूर्णा दीदी, और वो भी एक बादाम वाले, और इनकी मिठास ही वापस ले आएगी मेरे सखा बाबू की मुस्कान को। शाश्वती केक काटो, ये लो। चलो। वैजयंती दीदी कहाँ है? ये कैसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, सबको समय पर बुला लिया और खुद ही देर से। चलिए आइए। आज बंटू का बर्थडे है, बहुत मजा आएगा ना, मैजिक शो भी होगा। ये बाबा को यहाँ क्यों लाई है? इसे पता है ना बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। चलिए। इधर ले आओ। सुन कुछ। ये बटू का है। बिनॉय। यहाँ पे बैठी। तुम खुश है ना? पहली बार बाबा भी आए मेरे पार्टी में। मैंने तुमको बोली थी ना, तुम्हारे जन्मदिन के पार्टी में पूरी परिवार होगी। चलो चलो अब केक काटते, वरना बरेस्तर बाबू फिर से गुस्सा हो जाएंगे कि मेरे वजह से देरी हो गई। चलो चलो काटते। कोई नहीं गुस्सा होगा बाबा। कोई गुस्सा नहीं होगा। कोई गुस्सा नहीं हो रहा बाबा, शांत हो जाइए। क्या देखिए केक कटिंग हो रही है। चलिए कहाँ है? चलिए बाबा, बाबा बाबा चलिए आइए, शांत हो जाइए। शाश्वती का बर्थडे, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाली है मुकाबला। अब मालूम पड़ेगी कि किसमें कितना है दम। चलिए 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 जल्दी आओ बच्चे, चलो चलो। क्या कहाँ? चलिए आइए आइए आइए। इस खेल में एक दल के सदस्यों को गेंद मार के इन पत्थरों को गिराना होगा। बैरिस्टर बाबू आप भी आओ ना हम लोगों के दल में। मैंने कहा था ना मैं पार्टी में आऊंगा, तो मैं आ गया। ये बच्चों वाले खेल में नहीं खेलूंगा, तुम लोग खेलो। देखा दीदी, मैं जानती थी अनिरुद्ध दादा ऐसे ही रहेंगे। अब देखना वैजयंती का कमाल। जीतेंगी भाई जीतेंगी, लड़कियां जीतेंगी, जीतेंगी भाई जीतेंगी, जीतेंगे।
कोई बात नहीं। चिढ़ाएंगे ना, एक बारी हम हार गए। बैरिस्टर बाबू हमारी मदद करो ना, वरना हम हार जाएंगे। किसी को बुलाने से कुछ नहीं होगी, क्योंकि पिट्टू मैं वैजयंती को कोई डरा नहीं सकती। आप डरा नहीं, हरा हरा नहीं सकते, ये कहना चाह रही हूँ। अयो अप्पा, आप कितना अच्छे से समझती मुझको। समझ सही कहा तुमने, मैं तुम्हें बहुत बहुत अच्छे से समझता हूँ, और इसीलिए जानता हूँ कि अब तुम हारने वाली हो। मैं हारने वाली है? अयो अप्पा, कौन हराएगा मुझे, ये बच्चे? हाँ, ये बच्चे ही हराएंगे तुम्हें, क्योंकि अब ये बच्चे अकेले नहीं। कौन है इनके साथ? भगवान? भगवान तो हैं ही, लेकिन अब इनके साथ मैं भी हूं। हम मिलकर तुम सबको हराएंगे। जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे। अरे भाई, सुना है रायचौधरी अकेडमी में सरस्वती मालकिन का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हाँ, वो लड़की भी है और बैरिस्टर बाबू भी। हाँ, सुना है दक्षिण फसवा वाली लड़की ही सारा तैयारी करवाई है। कई सालों बाद बैरिस्टर बाबू किसी उत्सव में शामिल हुए हैं। हो ना हो, ये वही लड़की है जिसको पता लगाने के लिए मैं तुलसीपुर आया था। आज मौका मिला है, बस एक बार इसका पता चल जाए, फिर सब बताऊंगा मैं अपने चंद्रचूर बाबू को। हम उधर का काम करके आते हैं। ठीक, हाँ जल्दी से आओ। बंदिता मालकिन है। शाश्वती का जन्मदिन है, वो हार जाएगी तो मायूस हो जाएगी। इसका मतलब बंदिता मालकिन ही बेचनती है। हमको ये बात चंद्रचूर बाबू को बतानी पड़ेगी। लगता है अब यहाँ से हमको भागना ही पड़ेगा, किसी तरह कृष्णा नगर जाना पड़ेगा। जीत गई मैं, जीत गई लड़कियाँ, जीत गई। ये अनिरुद्ध ने हरवा दिया। चिंता मत कीजिए काका, सखा बाबू की ये हार बंदिता की जीत की तरफ उनके बढ़ते कदम है। अभी उन्हें खेल के लिए मना लिया, जल्द ही बंदिता के लिए उनके दिल की बात भी मनवा लूंगी।